एक सामाजिक संस्था द्वारा रेलवे के अन्नपूर्णा कल्याण केंद्र के सभागार में गरीब और असहाय बच्चों के लिए हेल्थ कैंप लगा, जिसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के स्टूडेंट ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें निःशुल्क दवा का वितरण किया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष अंकुश बर्नवाल, अलका तिवारी, डॉक्टर रोशनी रावत, पृथ्वी पेरूमल, डॉक्टर नाजिया हसन, शिखा श्रीवास्तव, डॉक्टर तन्वी गोखले, डॉक्टर शेखर गुप्ता, हर्षित श्रीवास्तव, रिया सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर शिवम पांडे, डॉक्टर रोशनी रावत तथा अंकुश बर्नवाल ने बताया। शिवम पांडे नाम है। हाँ, लास्ट ईयर स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस। इस तरीके से मेन चीज़ जो कैंप लगाने का बेनिफिट है कि जिन लोग को जो बड़ी बीमारियां हैं बच्चों को, उनको स्क्रीन करके हम लोग अपने पास बुला सकते हैं। और अगर उनके पास छोटी बीमारियां जैसे बुखार है, उल्टी, टट्टी, दस्त है, तो हम लोग वहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। इनमें क्या होता है कि बच्चों को छोटी छोटी बीमारियाँ होती, पता नहीं चलता, बाद में वो धीरे धीरे बड़ी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। इसलिए अगर हम लोग को ऐसी जगहों पे, क्योंकि क्या होता है कि इनके पापा मम्मी इतने जिम्मेदार नहीं होते हैं, तो हम लोग ऐसी जगह जाके काफ़ी दिक्कतें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और जो पेशेंट लोड बड़े हॉस्पिटल्स पे पड़ती है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। लोगों ने हाइजीन, हाथ धोने की जो बेसिक प्रैक्टिस है वो भी बताई है, और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग धोने होने के लिए भी हम लोग को दिया है। इससे क्या है, जो बहुत सारी बीमारियाँ जो हाथ गंदा रखने से या गंदा पानी पीने से फैलती है, उनको हम लोग ऐसे रोक सकते हैं। और अपने एरिया में जैसे इंसेफेलाइटिक का काफ़ी प्रकोप है, तो हम लोग उसके बारे में भी इन लोग को बताया कि मच्छरों से कैसे बचना है और इंसेफेलाइटिस के क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। रोशनी रावत, मैं भी आरडी मेडिकल कॉलेज से हूँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट। बच्चों में इसलिए ज़्यादा बीमारी होने की संभावना रहती है क्योंकि इन लोगों को कोई बताने वाला नहीं होता है कि आप साफ हाथों से खाओ, गंदी जगह मत खाओ, गंदा मत खाओ। इसलिए सबसे ज़्यादा इनमें जो बीमारी कॉमन होती है वो होती है डायरिया, उसके ऊपर से पेट में कीड़े हो जाना, जिसकी वजह जो कि हमारे भारत देश में एनीमिया, खून की कमी का सबसे बड़ा कारण है पेट में कीड़े होना। उसके लिए हमने इसलिए आज यहाँ पे एल्बेंडाजोल वगैरह दिए हैं बच्चों को, ताकि उससे पेट के कीड़े मर जाएं और ताकि उनमें खून की कमी ना हो पाए। और साथ ही साथ उनको हमने सफाई के बारे में बताया है कि कैसे साफ सफाई रखें, कैसे हाथ धो के खाना खाएं, हमने उनको स्टेप्स बताए हैं कि कैसे हाथ धोते हैं, तो इन सब चीज़ों का ख्याल बताया। वो यही सिखाया जा रहा हूँ। जी, मेरा नाम अंकुश बर्नवाल, मैं ट्रिपल एम इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा हूँ। का नाम रॉबिन हुड आर्मी है और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी काम करती है, जैसे श्रीलंका, साउथ एशिया और साउथ एशियन कंट्री जितनी भी हैं वहाँ पर काम करती हैं। ये जो पिछले एक साल से ये गोरखपुर में स्टार्ट शुरू हुई है, और हम लोग फूड का वेस्टेज को अवॉइड करते हैं। मतलब इससे क्या होता है कि हम लोग खाना मतलब ख़राब होने से बचाते भी हैं, और नीडी को सर्व करते हैं जो और लेस फॉर्चुनेट होते हैं, थोड़ा सा उनको हम लोग स्लम में जाकर बांटते हैं खाना। अभी हम लोग का मेडिकल कैंप लगा हुआ है रॉबिन हुड आर्मी के तहत ही,